रिसेंटली हुई राजकुंद्रा कंट्रोवर्सी तो सबको पता ही है कि उन्हें इल्लीगली पॉर्न मूवीज के प्रोडक्शन के लिए अरेस्ट किया है। लेकिन यहाँ एक बात नोटिस करने जैसी है कि इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई बार वेब सीरीज के नाम पर बस एडल्ट सीन्स ही क्यों दिखाए जाते हैं। आपको इस वीडियो के एंड तक एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन मिल जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, कोविड की वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही उन्हें लॉस भी हुआ है, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन की वजह से थिएटर्स बंद हो गए, पर अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हद से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रहे हैं और मार्केट में एक नया रेवोल्यूशन चालू हो गया है जहां आजकल हर कोई अपनी वेब सीरीज लॉन्च करना चाहता है। अब मार्वल का ही देख लो, मूवीज से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने वाले मार्वल भी अपने शोज डिज्नी प्लस पर रिलीज कर रहा है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से वेब सीरीज या फिर मूवीज में हम स्टोरी कम और एडल्ट सीन्स ही ज्यादा देखते हैं। लेकिन ये सब थिएटर्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी कोई मूवी थिएटर में रिलीज करनी होती है तब फिल्म मेकर्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि मूवी को चार डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो है यू रेटेड, यानी ऐसे मूवीज जो हर कोई देख सकता है। नेक्स्ट है यूए रेटेड, यानी ऐसी मूवीज जो 12 साल की उम्र से ज्यादा लोग देख सकते हैं। देन थर्ड है ए रेटेड मूवीज, जो कि सिर्फ 18 प्लस एडल्ट्स के लिए होती है। एंड लास्ट है एस रेटेड मूवीज, जो कि सिर्फ स्पेशल कैटेगरी के लोग जैसे कि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स देख सकते हैं। CBFC मूवीज के कई पार्ट्स को हटाते हैं जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं या फिर जिससे सोसाइटी पर बुरा असर पड़ सकता है, या फिर जो पार्ट अनवांटेड है उसे कट करते हैं। तो ये सारे राइट्स होते हैं CBFC के पास। लेकिन जब बात आती है OTT प्लेटफॉर्म्स की, तब यहाँ मूवीज और सीरीज को एग्जामिन करने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती, जिसके कुछ अच्छे फायदे भी है और उतने ही उसके नुकसान भी है, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी ना होने की वजह से फिल्म मेकर्स को पूरा क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है, जिसके चलते हमें कई मास्टरपीस मूवीज और वेब सीरीज देखने मिलती है, जैसे कि मिर्जापुर, फैमिली मैन या फिर TVF का हॉस्टल डेज। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि रेगुलेटरी बॉडी ना होने के चलते फिल्म मेकर्स को फ्रीडम तो मिलती है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसके चलते फिल्म मेकर्स इसमें भर भर के अननेसेसरी वायलेंस, न्यूडिटी या फिर अडल्ट कंटेंट ऐड करते हैं, और जो कि इजीली सारे एज ग्रुप्स के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। इसका और एक डिसएडवांटेज ये होता है कि कई बार इस फ्रीडम के चलते कुछ ऐसे क्लिप्स या फिर सीन्स दिखाए जाते हैं जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर द सूटेबल बॉय इस नेटफ्लिक्स सीरीज के किसिंग सीन की कंट्रोवर्सी के चलते बैन नेटफ्लिक्स ये हैशटैग बहुत ट्रेंड हो रहा था और उससे कई लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। यहाँ अगर गवर्नमेंट की ओर से सेंसरशिप नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है सेल्फ सेंसरशिप, जिसमें फिल्म मेकर्स को खुद को ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि जो कंटेंट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक ओपन ऑडियंस के लिए अवेलेबल है, जिसका मतलब ये कि कम उम्र वाले बच्चे भी इसे देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं। मेरा खुद का ये मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे बेस्ट टैलेंट सामने आता है, जिसके चलते हमें कई लेजेंडरी एक्टर्स का काम विटनेस किया है, जैसे कि अपने पंकज त्रिपाठी जी, मनोज बाजपेयी जी, और इसी फ्रीडम की वजह से हमें TVF जैसे प्रोडक्शंस भी मिले हैं, जैसे कि पंचायत, पिक्चर्स और सबका फेवरेट हॉस्टल डेज। लेकिन मार्केट में कंपटीशन में कुछ चीप कंटेंट मेकर्स भी उतर गए हैं, जो कि वेब सीरीज के नाम पर बस वल्गर न्यूडिटी और एडल्ट फिल्म्स को ही सेल करने लगे हैं। अब ये कौन है ये मुझे अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस आए तो हो सकता है कि ये एडल्ट फिल्म्स का मार्केट शायद पूरी तरह से मिट जाए, पर रेस्ट्रिक्शंस के चलते कई अच्छी सीरीज पर भी इसका असर पड़ेगा। अब ये तो एक बहस का मामला है कि रेस्ट्रिक्शंस लाने चाहिए या नहीं, क्योंकि इसमें कुछ लोग इसके अपोज में हैं तो कुछ लोग इस चीज को सपोर्ट भी करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो न्यूडिटी या फिर वायलेंस दिखाया जाता है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए या नहीं? आपका जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।